भोजन आवश्यकता है, लेकिन ये हो ये हो ये हो ये इच्छा है। घर आवश्यकता है, लेकिन बढ़िया घर हो ये इच्छा है। शरीर को ढकना आवश्यकता है, लेकिन ऐसे कीमती हो ये वो इच्छा है, वासना। वासना का त्याग करना सबके वश में है, लेकिन वासना की पूर्ति करना किसी के वश में नहीं। सभी वासना किसी की पूरी नहीं, और वासना पूर्ति से भी जो सुख मिलेगा वो विकारी सुख मिलेगा, पराधीनता का सुख मिलेगा। समझो संभोग की वासना हुई तो उसमें पत्नी का या किसी का भी शरीर नोचो और अपना शरीर नोचो, सुख मिला जरा सा और फिर उसकी रिकवरी कई दिन तक, उससे बढ़िया सुख अपने आप में मिल जाएगा, किसी का नोचने का जरूरत नहीं, तृप्ति आ जाए। ऐसे भोजन का सुख नहीं, किसी से सुख लेने की वासना छोड़ दो। पिता है तो पिता के लिए कर्तव्य कर लो, पिता हमको दे दे संपत्ति छोड़ दो इच्छा। बेटा है तो बेटे के लिए कर दो, बेटा मेरे को सुख दे इच्छा छोड़ दो। अपने आप में सुखी और दूसरों के लिए अपना कर्तव्य निभा, बस यही सूत्र है। फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान अपना आपा है, प्रकट हो जाएगा, खुद ही भगवान हो जाओगे। फिर भगवान से आप दूर नहीं रह सकते। भगवान उसी को बोलते हैं जो हमको कभी न छोड़ सके, छोड़ना चाहे तो भी न छोड़ सके, इसी का नाम है भगवान। और रखना चाहो तो रख न सको, इसी का नाम है संसार। बचपन को रख सके क्या? बचपन के खिलौने, बचपन का माहौल रख सके? नहीं। ठीक, कुमार अवस्था आई, उधर का वह माहौल रख सके क्या? छूट गया। किशोर अवस्था आई, कुमार अवस्था आई, शिशु अवस्था में से किशोर अवस्था, किशोर में से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था में से जुआनी, ये रहती है क्या? नहीं। फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापा रहेगा क्या? सब छूट जाएगा। जब शरीर छूट जाता है, शरीर को सदा नहीं रख सकते, लेकिन अपने मैं को कभी छोड़ सकते क्या? शरीर के मरने के बाद भी मैं तो रहूँगा, हैं? चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे ब्रह्म में रहे, लेकिन मैं तो रहेगा। वो मैं जहाँ से स्फूरित होता है, मैं दुखी हूँ, दुख मन में आया, हूँ है। सुखी हूँ, सुख का भाव मन में आया, हूँ सदा है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं साधक हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, हूँ 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 सदा रहता है। बाकी का ऊपर ऊपर का माया है, वही हूँ हूँ वही आत्मा है, वो परमात्मा से एक है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से एक है, वैसे आत्मा परमात्मा एक है। ये तो अपना अपना बिजनेस के लिए, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, जीसस भगवान, वो खिले खा खा के बेचारा खून बह बह के चला गया। नहीं, क्रॉस पे चढ़ गया ना जीसस। अब वो लोग अपना प्रचार करते कि पाप बढ़ गया था तो लोगों को नरक से बचाने के लिए वो क्रॉस पे चढ़ गया। तो एक आदमी को फांसी लगने से दूसरे के पाप माफ हो जाए, तो फिर अभी तो फांसी जिन देशों में लगती वो सब देश निष्पाप हो जाए। ये सब अपना अपना मार्केटिंग करने की, अपना अपना काम बनाने की। सचमुच ईश्वर प्राप्ति तो बिल्कुल सहज है। सुबह नींद में से उठो, चुपचाप बैठो, न किंचित अपि चिंतयेत, कुछ चिंतन नहीं। जिसमें सारे चिंतन शांत हो गए थे, उसी में नींद में से उठ के शांत हो जाओ। फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर श्वास को देखो, ओम गया गिनती, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया गिनती। फिर अपने पुरुषार्थ के विषय में विचारो, पुरुष से अर्थ इति पुरुषार्थ। पुरुष एक परमात्मा है, शरीर सभी के माया के हैं, प्रकृति के सब शरीर स्त्री है, पुरुष परमात्मा ही है और सबका आत्मा होके बैठा है। जिसकी सत्ता से हाथ उठता है सो हम वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से कान सुनते वो मैं हूं, कान ने अच्छा सुना न सुना उसको हम जानते, हाथ ठीक उठा के नहीं उठा उसको हम जानते, हाथ को खबर नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन मेरे को पता है ये हाथ है,
इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या संदेह, इसमें कौन से शास्त्र और पुराण का अथवा कोई तपस्या की जरूरत है। सीधी बात है, ये शास्त्र की बात है। मैं हूँ, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, कान को पता नहीं मैं कान हूँ, नाक को पता नहीं नाक हूँ, पेट को पता नहीं पेट हूँ, लेकिन मेरे को पता है पेट है, हाथ है, नाक है, मन है, बुद्धि है। तो मन बदलता है उसको हम जानता हूँ, तो मैं हूँ, हूँ वही का वही। मन बदला, बचपन बदला, जवानी बदली, दुख बदला, सुख बदला, लेकिन हूँ बदलता है क्या? नहीं बदलता। वो हूँ कौन है, मैं कौन हूँ, पूछो अपने को। वो मैं हूँ, वो कौन हूँ, जो जो पूछते जाओगे त्यों त्यों उसमें डूबते जाओगे। वो दिखेगा नहीं, लेकिन जो दुखी है वो उसके साथ एक हो जाएगा, दुख रहित हो जाएगा। नमक की पुतली दिखेगी नहीं, लेकिन सागर हो जाएगी। हम दिखेगा नहीं, परमात्मा में एक हो जाएगा, फिर आप बापूजी बन जाएंगे। बेटा जी में और बापूजी में क्या फर्क है? जगत से सुख ले वो बेटा जी, और अपने आप में सुख ही रहे और जगत को सुख दे वो बापूजी। यही तो है ना। नारायण की माँ से हमने सुख नहीं लिया, उसकी सुविधा हो गई, सुखी हो जाएगा। इससे सुख, उससे सुख, उससे सुख, बाप बेटा जी। सुख बाहर से जो अंदर भरे वो बेटा जी, और सुख अपने आप में और बाहर दे दे वो बापूजी। सब बन जाओ ना बापूजी, बापूजी के बच्चे बापूजी बन जाओ, काहे को बेटा जी बनना है? क्या घाटा पड़ता है? नारायण 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 नारायण। अभी कोई किसी का चीज वस्तु की गुलामी है नहीं, तो सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? तो सुख कहाँ से आया? तुम्हारे अपने आप से आया कि दूसरा कोई आके दे गया? तो अपना आपा सुख स्वरूप है, और अपना आपा चेतन स्वरूप है। जड़ शरीर है, मैं चेतन हूँ। शरीर मरने वाला है, मैं अमर हूँ। इसमें क्या जोर पड़ता है? मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है। मैं नित्य हूँ, सुख दुख अनित्य है। हूँ नित्य है अनित्य, दुखी हूँ दुख, दु माना दुष्ट वृत्ति दुख, सु माना सुखद वृत्ति सुख। तो सुख भी ज़्यादा सब वो जो सुख का निमित्त बाहर होता है, सुखाकार वृत्ति हृदय में पैदा होती है। मैं सुखी हूँ ये अहंकार करके उसमें फंसता है। दुख का निमित्त बाहर होता है, चाहे आंधी तूफान अपमान गरीबी फलाना ढींगा, दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार वृत्ति अंदर होती है। मैं दुखी हूँ ये अहंता से दुख मजबूत हो जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, हूँ सब में रहता है। और जो हूँ है वही आत्मा चैतन्य है। आवाज बढ़ा दे थोड़ा। वो चैतन्य है, साक्षी स्वरूप है। जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है। जो चैतन्य है वो आनंद रूप है। आनंद रूप है, वही ज्ञान रूप है। और आनंद रूप में से ही सुख पैदा होता है, ज्ञान रूप में से ही सुख पैदा होता है, चैतन्य रूप में से ही सुख पैदा होता है। सो गए, चैतन्य की वृत्ति शांत हो गई, तो मुंह में रसगुल्ला डालो स्वाद नहीं आएगा। फूल रख दो नाक के आगे, जब तक चेतना की स्मृति नहीं होगी तो सुगंध नहीं आएगी। तो अपना सुख रूप दूसरे में सुख की धारणा करके अपने को निचोना, इसका नाम संसार है। और दूसरे को उसके अधिकार के अनुसार, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार दूसरे को मदद रूप हो जाना, लेकिन उससे सुख की इच्छा न करना संतत्व है। बदले में उससे कुछ लेना नहीं, फिर वो कोई दे जाए तो फिर लगा दिया। फिर अपने
के लिए दूसरे की गुलामी नहीं हो गए बापूजी। पत्नी प्यार करे, पति प्यार करे, फलाना प्यार करे तो तू दरिद्र है। अपने आप को प्यार कर, अपने आप में खुश रह, अपने आप में तृप्त रह। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। वो तृप्त रहता है, लाला सुख दे। वो लाला खुद ही भटक रहा है तो लाला लाली को क्या सुख देगा, लाली लाले को क्या सुख देंगे, अमथी अमथे को क्या सुख देगा, अमथा अमथी को क्या सुख देगा। नाम ही अमथा है, ऐसे ही है। तो जो दूसरों से सुख लेने की गंदी आदत है वो ही फंसा रही संसार में। हाँ, एक कपड़ा या आभूषण पहनूं, अच्छा लगूं, दूसरे को अच्छा लगूं तो दूसरा भोगता हो गया, मैं भोग्य बन गया। ठीक है, फेरा ठीक ठाक है। ये पराश्रित, तो पराश्रित रहने का सभी का आदत है। बड़ा बड़ा के शरण छोटे चला जाता है। कुत्ते भी देखते तो पहलवान कुत्ते के चरणों में। किसी का सेल्यूलर बजेगा तो उसका अब जब्त हो जाएगा सेल्यूलर। सबने ये सब बोला, ले लो मोबाइल ले लो, बचाने के लिए संसार की नश्वरता समझ लेनी चाहिए। बदल रहा है सब, बचपन बदल गया। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सोने की सुधार सुधार सुधार, क्या खाक सुधार, प्रगति प्रगति प्रगति, क्या खाक प्रगति हुई। सोने की हिरणपुर थी, सोने की लंका थी, उनकी प्रगति उनको सुख नहीं दे सकी। तो तुम्हारे मकान और तुम्हारा सड़क और तुम्हारी गाड़ी और मोटर बढ़ गई तो प्रगति हो गई। अरे पराधीनता बढ़ गई उल्लू, प्रगति हो गई। आजकल विकास विकास विकास, तो अमेरिका में तो ये बहुत है, तो क्या विकास हुआ, हम लोगों से ज़्यादा दुखी है। सच्चा विकास है कि बिना वस्तु बिना व्यक्ति हर परिस्थिति में सुख आनंद माधुर्य स्वतंत्र सुख प्रकट रहे। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप। बढ़िया नौकरी मिले तो सुखी, बढ़िया शादी हो जाए तो सुखी, अपन तो जन्म जन्म साथ में रहेंगे, तो जन्म जन्म तुम्हारे साथ। तुम दूसरे जन्म में मिलेंगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे तो क्या जख मार लिया अपन तो जन्म जन्म में साथ, तो दूसरे जन्म में मिले साथ हुआ फिर मरेंगे कि नहीं मरेंगे, बिछड़ेंगे कि नहीं बिछड़ेंगे, फिर दुख होएगा कि नहीं होएगा नहीं तो मूर्खों की महफिल है जन्म जन्म दुख साथ। फिर बिछड़ेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसी जन्म में बिछड़ बिछड़ के तो रो रहे, फिर दूसरा जन्म मिलेगा फिर बिछड़ बिछड़ के रो और फिर मरो। फिर दूसरे जन्म में मिलने के लिए किसी के गर्भ में, किसी के शरीर से पसारो पेशाब इंद्री से, फिर किसी के गर्भ में और मासिक का खून पियो, फिर शरीर बनाओ, फिर साथी बने जन्म जन्म से शादी, फिर ठूं करें थके, फिर झगड़े हुए, क्या झक मारा। ये अज्ञान से ही दुखी होते लोग। जो कभी हमारा साथ न छोड़े उस अपने मैं को जान लो, अपने आत्मा को जान लो, बस हो गया। सारी पढ़ाइयों का फल मिल गया, सारे जन्मों का फल मिल गया, ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, अरे क्या झक मार रहे। अभी मैंने तो ग्रेजुएशन किया, अभी ये कोर्स करूँ वो कोर्स करूँ, अरे मूर्ख कितने कोर्स डालेगा खोपड़ी में, जितने डाले वो सब रात को क्या रहा याद रहता है, सब भूलते तो कैसी शांति आती। तो जहाँ से शांति आती, जहाँ से सुख आता है, पहले के ज़माने में इतनी सर्टिफिकेट नहीं थे, इतने कोर्स नहीं थे, देश परदेश पेट भरने के लिए भागा भागी नहीं होती थी। तो बोलते मले छवास है ये विदेश, वो तो शौचालय में जाते तो पानी का उपयोग नहीं करते, ऐसा मले छवाता हो मले छ जिंदगी, विवेकानंद बोलते थे। ये तो फैट हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती, 50-60 साल के बाद उधर का आदमी कमजोर हो जाते, बहुत वीक हो जाते, खा 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 और विकार विकार विकार, कैसा काय को।
एक बार भोजन कर भोजन मुंह चलाते हैं तो पाचन रस उतना ही आता है। फिर दिन में 10 बार मुंह चलाओ तो 10 बार पाचन रस आता है। तो पाचन रस जितना जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना उतना बुढ़ापे में पाचन खराब हो जाएगा। इसलिए बार बार मुंह चलाने वाले बुढ़ापे में जठर के रोगी हो जाते हैं। अब खाना हजम नहीं हो तो फिर गोलियां लो, इंजेक्शन लो, जूस पियो, फलाना पियो, फिर दवाइयां करते हुए लाचार होकर हॉस्पिटल में पड़े। तेरे अमेरिका में 10 आदमी में 7 आदमी को तो नींद भी नहीं आती। ऐसे दुखी हैं लोग, सुखी हैं? बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दखी, बाहर से दिखता है ये वो, अंदर देखो तो पच रहे हैं बेचारे, बिना आग के पच रहे, बिना पानी के डूब रहे। नहीं डूब रहे दुखों में, टेंशन टेंशन का टेंशन, क्यों टेंशन? दो रोटी खाने टेंशन टेंशन टेंशन, पढ़ो ये करो वो करो वो करो, फिर इतना करने के बाद भी दुखी तो रहते, क्योंकि निगुरा है उनके पास, बापू का ज्ञान नहीं है, बेटों का ज्ञान है। जो संसार को सच्चा मानते हैं और संसार की आसक्ति में उलझे हैं उन्हीं का ज्ञान उनके पास, और जो आत्मा को सच्चा मानते हैं, परमात्मा का अनुभव करते हैं, उनका ज्ञान जिनको है तो मौज में। सुरेश दुखी है कि सुखी है? हैं? पीएचडी वाले इतने सुखी नहीं होंगे, एमकॉम वाले इतने सुखी नहीं होंगे, एमडी वाले इतने सुखी नहीं होंगे, बोलो, करोड़पति इतने सुखी नहीं होंगे। बड़े बड़े नेता मंत्री देखो तो एमपी लोग बेचारों की फजेती हो गई, 35,000 लाच लिया, 55,000 लिया, ये लिया, अभी मेरे को दिखाया, अभी नहीं, मेरा आया था फोटो अखबारों में, वहाँ के बापूजी ने इनको मौन खुलाया महाराज को, 9 साल का, लाखों लोग, तो उसमें वो उन नेताओं का भी काला मुंह फोटो में था, इन्होंने 35,000 लिया, अभी अभी मैंने देखा। क्या मिला? सुखी होने के लिए 35,000 लिया होगा, सुखी होने के लिए एमपी बने, अभी तो दुखी हैं, पच रहे हैं। हम तो 35,000 के हम तो लाख लाख रुपये भी ले लेते, हमारे लिए तो कोई नहीं कुछ बोलता। वो 35,000 लिया तो एमपीओ की तो पजेती होगी, हमको तो लाख लाख रुपए भी मिल जाता है, सच्ची बात बोलता हूँ। फिर वो अपने सुख के लिए लिए थे, हमने मांगे नहीं, और सामने वाला अपना कल्याण के लिए अर्पण किया, हमारी आसक्ति नहीं, उसकी आसक्ति, इतना ही फर्क है, बाकी 35,000 क्या होता है? हैं? कितना बुरा हाल होगा उनका तो, ओए ओए ओए, बेचारों की सारी मिट्टी पलित होगी। ये संसार की आसक्ति, जो संसार में से सुख लेना चाहते उसके लिए संसार नरक है, और जो अपने आप में तृप्त है उसके लिए संसार भगवतमय है, ब्रह्म का विवर्त है। जो अपने सोहम स्वभाव में जग गए उनके लिए संसार ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त कैसे? जैसे रस्सी है और उसमें सांप विवर्त दिखता है, सीपी है उसमें रूपा विवर्त दिखता है, मरुभूमि है और उसमें पानी दिखता है तो विवर्त है, मरुभूमि के आधार पर पानी, रस्सी के आधार पर सांप दिखता है, ऐसे ब्रह्म के आधार में ही जगत दिखता है। गहराई से देखो तो रस्सी और दूर से देखो तो सांप, और मदारी के लिए सांप के गुजारा होगा, और डरपोक के लिए सांप मुसीबत है, न गुजारा है न मुसीबत है, वो तो रस्सी है। ऐसे ही न सुख है न दुख है, वो तो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन मूर्खों को पता नहीं चलता, इसलिए बेटा जी होके मर जाते हैं। जो पता लग जाता है गुरु की कृपा से, वो बापू जी होके तर जाते और तार लेते हैं दूसरों को भी। ऐसा ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा, किसी के सेट में भी नहीं मिलेगा, ऐसा एकदम प्योर प्योर माल है कि नहीं? हो गया ना वसूल पूनम, है 10 पूनम हो गई आज, 10 पूनम का फल हो गया। ब्रह्म पुराण में लिखा है जिसके जीवन में व्रत उपवास नहीं है वो दूसरे जन्म में रोगी दरिद्र और दुखी रहता है। वेद में भी लिखा है
जिनके जीवन में व्रत और तप है वे उत्कृष्टता को पाते, जिनके जीवन में तप व्रत सत्कर्म नहीं है वो नाश को प्राप्त होते। जो प्रसन्न है उदार है वे उन्नत होते हैं, जो खिन्न है फरियादी है उनकी अवनति होती है, पतन होता है। दुख आया तो भी फरियाद क्या करो, दुख